नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं शक्कर पारे की रेसिपी। इसमें ना ही मैं मैदा डाला हूँ ना ही डाला हूँ शक्कर, फिर भी बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले मैं एक सस्पेंस ले लिया हूँ और उसमें डालूँगी आधा कप गुड़। तो हम लोग आज ना शक्कर पारे में शक्कर नहीं डालेंगे, गुड़ डालेंगे। तो इसके लिए गुड़ डाला हूँ। गुड़ तो बहुत ही हेल्दी भी रहती है दोस्तों। तो गुड़ और पानी, मतलब 1/3 कप पानी डाला हूँ और अच्छे से गुड़ को मेल्ट करवाऊँगी। तो ये देखिए, कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बना रही हूँ, खाली मेल्ट करवा रही हूँ। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है तो उसको रखूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। तो मैदा नहीं ले रहा हूँ तो गेहूं का आटा ले रहा हूँ। तो उसमें डालेंगे 2 चम्मच इधर सूजी। सूजी से बहुत ही अच्छी क्रांची और बहुत ही टेस्ट भी लगती है। तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, भी बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो इसके बाद 2 इलायची डाल रहा हूँ मैं इधर। उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने 2 इलायची को ऐसे तोड़ के डाल दिया हूँ और उसको ना अभी ढक्कन लगा के अच्छे से फाइन पीस लेंगे। तो मैंने अभी पीस लिया हूँ तो एक बोल में उसको डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अच्छे से पीस लिया हूँ। तो अभी क्या करेंगे, उसमें ना गरम घी डालेंगे। घी थोड़ा सा हल्का गरम कर लीजिएगा दोस्तों। घी गरम करके डालने से अच्छी खस्ता बनती है शक्कर पारे। तो ये देखिए, मैं अच्छी आपको टिप्स बता रही हूँ, आप ध्यान से कीजिए तो अच्छी शक्कर पारे बनेगा आपका। तो मैंने अच्छे से उसको भी मिक्स कर लिया हूँ और मिक्स करने के बाद ऐसे बाइंडिंग होने तक उसको मिक्स करना दोस्तों। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इधर गुड़ है ना, गुड़ की पानी उसको थोड़ा थोड़ा डालूँगी और उसको आटा लगा दूँगी। आटा थोड़ा, मतलब पूरा नरम नहीं करना दोस्तों, पूरा टाइट आटा लगाना। टाइट आटा लगाने से ना बहुत ही खस्ता बनती है। आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालिए और उसको एक आटा अच्छे से लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कैसे आटा लगाई हूँ, आपको बाजू से दिखा रही हूँ। तो उसको अभी ना अच्छे से उसको आटा लगाने के बाद ढक्कन लगा के आधा घंटे तक आप उसको रेस्ट करवाने के लिए रख दीजिए। तो आधा घंटा हो गया है तो मैं अभी आपको और एक बार फिर से आटा गूंद के आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपका आटा टाइट हो गया है तो थोड़ा पानी और डाल के उसको आप गूंथ लीजिए। अगर पतला हो गया है, थोड़ा सा और आटा लगा के आप उसको गूंथ लीजिए। 1-2 पेड़ा मैंने बना लिया हूँ, 1 रख दिया हूँ और 1 को ऐसे बेल लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इधर पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो साइड से जो किनारा है ना, तो उसको ऐसे निकाल देंगे दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया हूँ। तो ऐसे लंबा लंबा करके छुरी से अच्छे से कट करेंगे। तो आपकी मनपसंद जैसे भी आप इधर कट करके उसको फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इधर ऐसे ही छोटा छोटा टुकड़ा करके कट कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए कितना मोटा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ही मोटा रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। तो अभी उसको उठा के ना ऐसे झांझरे से तेल में डालेंगे तो तेल छिट गया नहीं। सारे टिप्स फॉलो कीजिए, देखना बहुत ही अच्छे से शक्कर पारे आपका बनेगा। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डाल दिया था पूरा मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा एक टुकड़ा आटा डाल के देखेंगे। तो ये देखिए ऊपर आ गई है, तो तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गई है। तो जितना मैं शक्कर पारे कट किया था ना, उसको अभी डाल देंगे तेल में। तो थोड़ा सा चम्मच से उसको हिला देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है। इसको ना पूरा आप धीमी आंच में ही पकाएगा, 7 से 8 मिनट लगेगा उसको पकाने के लिए दोस्तों। तो ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ ऐसे करके। सारे मैंने शक्कर पारे को 7 से 8 मिनट तक उसको फ्राई किया हूँ धीमी आंच में, और उसको अभी निकाल रहा हूँ।
जो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, आप ऐसे ही बनाइए, बहुत ही अच्छी शक्कर परे बनेगा आपको, ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। आगे जो भी मैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी, और जो भी इंग्रेडिएंट्स ले आऊँ मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आता है दोस्तों, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और इतनी टेस्टी है कि पूछे मत। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।